तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है वो हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट में कर लिए, इस वाले में उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल नेचर क्या होता है। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड का जो फिजिकल नेचर होता है वो डिपेंड करता है उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे आयन्स प्रेजेंट होंगे, जिस टाइप के आयन्स प्रेजेंट होंगे तो उस पे उसका नेचर डिपेंड करेगा, उसका फिजिकल नेचर डिपेंड करेगा। फिजिकल नेचर का मतलब होगा कि देखने में कैसा रहेगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, साथ साथ उसको हम लोग अगर फील करते हैं, टच करते हैं तो वो किस तरह का कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले आयोनिक नेचर उसका हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल नेचर की यहाँ पे, तो आयोनिक कंपाउंड जो भी है वो सॉलिड होगा। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो सॉलिड इन नेचर होगा। देखने में अगर रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो सॉलिड होगा, और कुछ कुछ इतने ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं कि वो ब्रिटल इन नेचर हो जाते हैं, ठीक है। ब्रिटल इन नेचर हो जाते हैं मतलब कि अगर उसको हम तोड़ना चाहें तो जल्दी से चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है, पाउडर के फॉर्म पे आ जाएंगे। इसलिए ज्यादा इतने ज्यादा सॉलिड होते हैं क्योंकि उसके बीच में आयोनिक बाउंड होता है, और आयोनिक बाउंड का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और अगर तोड़ा जाए तो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए काफी उसमें ज्यादा हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन और निगेटिव चार्ज आयन जो आयनिक कंपाउंड रहेंगे, वो सॉलिड स्टेट के होने के कारण काफी ज्यादा इसमें आयनिक होता है, स्ट्रेंथ होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात करें तो वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आयन्स के बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, साथ साथ बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको तोड़ने के लिए। इसी कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है, क्योंकि ये काफी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इनके बीच में आयन्स के बीच में काफी हाई स्ट्रेंथ है, इसलिए ये मैक्सिममली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, और इसको अगर मेल्ट करना है तो काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इसके बॉन्ड को तोड़ने को, तभी तो फ्रीली आयन्स घूमेंगे, तभी तो ये मोल्टन स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे NaCl लिथियम क्लोराइड, इस सबका मेल्टिंग पॉइंट देखो 1074, वहीं बॉइलिंग पॉइंट देखो 1683, लिथियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट देखो 1600 डिग्री से, कैल्शियम क्लोराइड का देखो 1045 डिग्री, 1900 डिग्री पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड का तो देखो 2850 डिग्री, इतना हाई जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से सारे आयोनिक कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड को समझने का सबसे अच्छा तरीका हो जाता है कि कोई एक आयोनिक कंपाउंड को आप पकड़ के चलो, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए NaCl को पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। इसको आप हर एग्जांपल पे सेट करो तो आपको आसानी से समझ में आएगी, इसलिए इसको लेके चलना काफी आसान हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करें। तो जितना आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, वो मोस्टली सॉल्युबल हो जाते हैं, जनरली सॉल्युबल होते हैं। अब सारे का एग्जांपल लेके चलोगे तो सारे सॉल्युबल नहीं भी होते, लेकिन बहुत हद तक सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन ये तो श्योर बात है, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ये तो श्योर बात है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें डिसॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। ये डिसॉल्व सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में होते हैं, ये वाटर में होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि NaCl का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर वही NaCl को, ठीक है, अगर हम लोग केरोसिन में डालेंगे तो ये नॉट सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें देखा जाता है कि ये आयन्स में टूट जाएंगे और इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं और इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, अगर डालोगे तो सीधे नीचे बैठ जाएगा। अगर हम लोग बात करें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसमें अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि तो यहाँ पे आयन्स फ्रीली मूव नहीं करते। वहीं अगर इसको अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, तो वाटर में डिजोल्व होते ही अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लें तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएंगे, और आयन्स डिस्ट्रीब्यूट, आयन टूट जाने के कारण ये आराम से मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये सॉल्युबल कर दिया जाता है वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया जाता है, तब ये आयन्स में टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में रहेगा तो नहीं करने वाले। वहीं अगर NaCl को मोल्टन स्टेट में कर दे, उसको गला दिया जाए, हीट करके इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, क्योंकि आयन्स में फिर से टूट जाएंगे, तभी तो मूव करेगा, तभी तो मोल्टन स्टेट आएगा, तो वहां पर फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। वहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीकर लिया गया जिसमें साल्ट सॉल्यूशन डाला गया, ठीक है। साल्ट सॉल्यूशन डालने के बाद दो इलेक्ट्रोड रख दिया गया और यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करने पर बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इनके बीच में होने लगेगा,
ठीक है। तो और क्यों हो रहा है, क्योंकि आयन से यहाँ पे बन जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड को, अगर हम लोग NaCl को एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, सारे आयनिक कंपाउंड में इसी तरह से होगा, अगर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे Na प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन दोनों एक्वा सोल्यूशन में ये चीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आयन से टूट गया, इस कारण इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा। अगर वही NaCl को हीट करके मोल्टन स्टेट में कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे Na प्लस तब भी बन जाएगा और क्लोरीन आयन तब भी बन जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों भी मिलकर इलेक्ट्रिक कंडक्ट यहाँ पे करने लगेंगे। वही तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और आता है कि मोल्टन स्टेट में क्यों करने लगते हैं, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में इसलिए कर लगते हैं कि हाई हीट करेंगे तभी तो वो मोल्टन स्टेट आएगा। जब मोल्टन स्टेट हाई हीट करने पर जब मोल्टन स्टेट आएगा तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में, ठीक है। मैं सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहा, सारे आयनिक पे ऐसे ही चलेगा। इस दोनों के बीच का जो हाई हीट के कारण वो लूज हो जाता है, ठीक है। वो हीट के कारण उसमें वाइब्रेशन इतने ज्यादा होंगे एटम्स में तो वो अलग अलग हो जाते हैं और इसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने जाता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन एसेंस सिंस द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट के कारण वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाता है, वो टूट जाता है आराम से। इसलिए आराम से एटम आयंस जो होंगे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन वो आराम से मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेंगे। अब एक और चीज आता है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। फ्लेम टेस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो ये क्या चीज होता है कि अगर किसी भी आयोनिक साल्ट है जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया आयोनिक कंपाउंड है, लिथियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, ओके। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अगर एक बर्नर पे एक छोटा सा सैंपल उसका छोटा सा चुटकी भर अगर हम लोग ले लेते हैं NaCl को और उसको फ्लेम पे अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो फ्लेम उससे टच होते हुए ऊपर की ओर जाएगी, मोल्टन नहीं करना है, उस पर टच होते हुए ऊपर जाएगी, तो जो फ्लेम का जो कलर होगा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लेम टेस्ट कहा जाता है। इससे बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो कि ये साल्ट किस चीज का, ठीक है, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। वहीं अगर आप बात करो तो लिथियम का अगर आप साल्ट लेते हो तो मैजेंटा रेड पिंक कलर का फ्लेम इसमें आने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप लिथियम क्लोराइड का साल्ट ले लो और यहाँ पे उसको फ्लेम पे हीट करोगे तो साथ साथ वो भी तो फ्लेम उससे टच होते हुए जाएगी, तो जो फ्लेम का जो कलर है वो मैजेंटा रेड पिंक हो जाता है। कैल्शियम का अगर साल्ट रहेगा तो ऑरेंज रेड फ्लेम बनने लगेगा, ठीक है। तो फ्लेम का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसका क्यों कलर चेंज होता है ये हायर क्लास में पढ़ना, बस अभी के लिए हमें इतना समझना है कि फ्लेम का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। वहीं अगर बात करें पोटासियम का तो लियाक फ्लेम यहाँ पे बन जाता है, रेडिश टाइप का फ्लेम यहाँ पे आने लगता है। स्ट्रॉन्सियम का अगर साल्ट रहेगा तो क्रिम्सन रेड फ्लेम बनेगा। वहीं कॉपर का अगर साल्ट रहेगा तो ब्लू और ग्रीन फ्लेम बनने लगेगा। कॉपर क्लोराइड आप ले लो और उसको आप हीट करोगे तो फ्लेम टेस्ट में तो वहां पे आपको पकड़ा जाएगा, वो ब्लू ग्रीन फ्लेम देने लगेगा। सोडियम का अगर आप करोगे तो सोडियम क्लोराइड ले लिए साल्ट और उसको आप हीट किए फ्लेम पे टेस्ट करोगे तो वहां पे येलो कलर का फ्लेम निकलने लगता है, तो इससे हमें पकड़ा जाता है कि वो सोडियम उसमें आयन है। तो फ्लेम टेस्ट से भी आयोनिक कंपाउंड हम पकड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।